वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद अवर लेटेस्ट वीडियो। तो पेस है न्यू कॉर्वस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट अपडेट फॉर मी 11X, पोको F3 एंड रेडमी K40। उससे पहले मैं रीस्टार्ट करके आपको UI दिखाता हूँ। काफ़ी मक्खन और काफ़ी अच्छा दम एनिमेटेड आपको बूट लूप देखने को मिलता है आपको। तो पहले मैं रीस्टार्ट करके आपको वो एनिमेशन, रीस्टार्टिंग एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ। तो भाई आप ये एनिमेशन देख रहे हो यार, कितना मस्त एनिमेशन, तो बिल्कुल ऑसम एनिमेशन और ब्रांड न्यू एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये एनिमेशन स्टार्टिंग पे। तो इस बार काफ़ी UI पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है, कॉर्वस ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इस पे एंड UI को काफ़ी बेटर कर दिया। आप लॉक स्क्रीन के UI भी देख रहे हो, काफ़ी बेहतर किया गया है एंड चार्जिंग को भी मच इम्प्रूव कर दिया गया है। तो अब यही देखेंगे इसमें क्या क्या खास है, तो बस अब फ़ोन को कर लेते हैं अनलॉक और देखते हैं इसके क्या क्या से इसमें फीचर्स हैं। तो भाई चलते हैं हम लोग पहले सेटिंग्स पे जंप करते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्वस ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर अबाउट फोन सेक्शन एंड हियर यू विल फाइंड एंड्रॉयड वर्जन 12 सिक्योरिटी अपडेट 5 मई 2022, कर्नल 4.19.239, नो कर्नल एंड सी स्टेटस इन फोर्सिंग। तो ये सारे अबाउट फोन के सेक्शन हैं आपको। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ OTA अपडेट यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कोई OTA अपडेट फीचर्स नहीं है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी पे, आपको फेस लॉक मिल जाएगा एंड फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, पैटर्न लॉक मिल जाता है। तो सिक्योरिटी में आपको यही तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। वॉल पेपर स्टाइल्स में आपको चेंज वॉल पेपर में तो काफ़ी वॉल पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं कम्युनिटी के कारण एंड कम्युनिटी कॉर्वस एंड पिक्सल, ये सारे सेक्शन हैं आपके वॉल पेपर के। तो पहले यहाँ पे नेट ऑन कर लेता हूँ, तो थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा मेरा यहाँ पे, तो बैक कर लेता हूँ। नेट स्लो है, वाईफाई का सिग्नल भी वीक है थोड़ा, तो बैक करके मैं वो पिक्सल पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्सल्स पे आपके कितने इम्प्रूव्ड एंड कितने अच्छे वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है एंड फीचर्स UI काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है UI को। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें फंक्शंस पे काम किए गए हैं, UI पे काम किया गया है। देन हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डिस्प्ले। तो भाई डिस्प्ले में जो आपको मिलता है, तो सो इन डिस्प्ले आपको मिल जाता है डार्क थीम, नाइट लाइट, कलर्स, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट वाइट, फॉन्ट साइज, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप एंड कलर स्कोप सैचुरेटेड पे सेट कर दो। तो काफ़ी अच्छा विजुअल्स आपको मिलेंगे सैचुरेटेड पे सेट करने पे। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फिर नीचे की ओर। तो नीचे में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड बेक ऑन प्लग भी देखने को मिल जाता है। बात करें रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट जो आपको देखने को मिलता है वो 60 to 120 ही देखने को मिलता है एंड आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको गेम 90 FPS देखने को मिल जाता है। पर ऐप रिफ्रेश रेट काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यदि आप 60 पे हो, आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा रहे हो, डिस्प्ले को कम रिफ्रेश रेट पे चला के, बट आप चाहते हो कि कोई गेम पे आपको 120 डायरेक्ट करके दे, तो पर ऐप रिफ्रेश रेट आपको वही करके देता है। देन इसके बाद हम लोग सेटिंग्स नॉर्मल देख लिए, अब रोम की सेटिंग जो हमारे कॉर्वस का सेटिंग्स है उसमें आते हैं। तो यहाँ आपको गेम स्पेस देखने को मिलता है, सो इन गेम स्पेस यू हैव टू ऐड सम गेम्स इन गेम स्पेस। तो यहाँ से आपको गेम स्पेस में गेम्स को ऐड करना पड़ेगा, पिक अप योर गेम एंड उसके बाद थीमिंग का भी ऑप्शंस आपके काफ़ी अच्छे हैं। यूज़ कस्टम कलर करने के बाद आप अपने कस्टम कलर को खुद से चूज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, देन उसी के टाइप के आपके फ़ोन्स टेक्सचर्स वगैरह आपको शो होने लगेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन ये भी दिया जाता है।
आइकन पैक आपको काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल्स एंड आइकन शेप भी आपको काफ़ी मस्त देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ह्यूज से कस्टमाइजेशन के साथ आ रहा है कॉर्बस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पे एक बग फेस किया मैंने, देन पता नहीं रीस्टार्ट क्यों हो गया यूआई, देन देखते हैं हम लोग कहीं फिर से वो फेस होता है या फिर नहीं। देन हम लोग मूव करते हैं कलर्ड आइकन्स पे। तो भाई कलर्ड आइकन्स है कि आपके जो ऊपर में जो टॉगल्स होते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो कलरफुल आएगा, तो वो आपको कलर्ड आइकन्स के ऑप्शंस इनेबल करने पड़ेंगे। यहाँ वो वाईफाई आइकन्स हैं, माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर एंड सो लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर। तो भाई ये सब को ऑन करने से आपको प्राइवेसी वगैरह जो इंडिकेट करते हैं ग्रीन कलर के राइट साइड में टॉप पे, वो आपको दिखने लगेगा, और उसको ऑफ करने के लिए उसको डिसेबल करना पड़ेगा। बैटरी में आपको बैटरी के यूएस स्टाइल्स वगैरह हैं, बैटरी आइकन स्टाइल है एंड टेक्सचर वगैरह। तो यहाँ से आपको ये सिस्टम यूआई रिस्टार्ट करने पे हमारा बैटरी का कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने ऑप्शन क्लिक कर दिया यहाँ पे एंड देखता हूँ होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन नहीं हुआ, फिर से एक बार शायद क्लिक करना पड़े, डन 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 डन, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। ओ अगेन मैंने किया यहाँ पे, हाँ ये ग्रीन हो गया ऊपर में, आप देख सकते हो ग्रीन हो गया है, बैटरी के जो डॉटेड सर्कल्स है वो ग्रीन हो गया, शायद आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। ग्रीन यहाँ से भी दिख रहा है मुझे, बट थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। आप देखो ग्रीन लग रहा है ना, 63% है उसके समय ग्रीन। तो भाई आपका जो कलर है वो टॉगल बैटरी आइकन के, वो आपको कलर मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, वो खाली कलरफुल 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 यार, खाली कलरफुल आपको मिलेगा, सिर्फ कलरफुल। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की सेक्शन की ओर। तो यहाँ बैटरी परसेंटेज भी आप सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशंस में आपको मिसलेनियस चलते हैं भाई, तो मिसलेनियस में आपको अनलॉक हायर एपिस इन गेम्स एंड अनलिमिटेड फोटोज स्टोरेज। तो भाई जी फोटोज मोड भी है, आपको अनलिमिटेड फोटोज बैकअप कर सकते हो। अनलॉक हायर एपिस इन गेम्स को इनेबल करने पे आप 90 FPS तक इनेबल कर देगा आपकी गेम को, मतलब हायर रिफ्रेश रेट पे सेट कर देगा। तो भाई काफ़ी अच्छे से फीचर है, काफ़ी यूज से कस्टमाइजेशन एंड काफ़ी स्मूथ रोम भी है। तो भाई कुल मिला के जो कस्टमाइजेशन के मामले में वो टॉप नॉच पे है, परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बट हम गेम की बात करेंगे गेम के दौरान, तो यहाँ पे आपको सीपीयू थोड़ा जो देखने को मिलता है वो 93% है, मैक्सिमम 2,37,000, एवरेज आपको 2,27,000, मिनिमम आपको 2,09,915 GIPS। तो मतलब कि परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाता है सीपीयू थ्रॉटल के स्कोर में। देन हम लोग फिर मूव करते हैं गीगबेंच 5 के स्कोर। सो इन गीगबेंच 5 स्कोर यू विल फाइंड सिंगल कोर स्कोर इज 911 एंड मल्टी कोर स्कोर इज 2,847 विच इज एवरेज। तो भाई आपको जो परफॉर्मेंस गीगबेंच 5 के मिल रहे हैं, जो बेंचमार्क स्कोर है वो काफ़ी एवरेज आपको देखने को मिल जाता है, एंड अंतुतु स्कोर इज ऑल्सो एवरेज। तो भाई आपको इसके में भी स्कोर काफ़ी एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि 5,72,635 है। तो भाई अंततः स्कोर भी काफ़ी डाउन है। तो अब मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट गेम पे। तो भाई गेम पे भी हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर FPS देख रहे हो 85-87, अभी तो भाई FPS बिल्कुल स्टेबल है, बस नीचे जंप करेंगे भाई तो पता चलेगा इसकी औकात क्या है भाई, ये कस्टमर की क्या हैसियत है भाई, ये 90 FPS चलाएगा या नहीं चलाएगा या 60 FPS पे ही रन करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसका माजरा क्या है, कैसे है। अभी तो भाई 61 दे रहा है, 55 दे रहा है FPS, आप देख सकते हो 57 डाउन कर रहा है, इन लॉबी में ही आपको FPS ये डाउन करके दे रहा है। भाई अब नीचे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि FPS इसका ये कैसा देता है। हेलो काका, जंप करते टाइम भी इसने FPS को डाउन किया है। तो अभी हम लोग जंप कर रहे हैं, यहाँ पे FPS आप देखो गौर से, तो यहाँ पे आपको FPS दिख रहा होगा कि फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रही है,
68 गया अभी हमारा FPS काउंटर, एंड उसके बाद 6658 तक इसने डाउन किया, मतलब कि 90 FPS के कंपैरिजन में आपको 58 FPS तक डाउन करके दे रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो फाइट होनी बाकी है भाई, तो अभी तो नीचे देखते हैं कि इसका FPS क्या देता है। 90 FPS के लिए आपने देख लिया ये कंपैटिबल नहीं है, बट 60 FPS पे भी मुझे नहीं लगता ये सही से वर्क करेगा, क्योंकि जब ये 90 FPS पे इतना डाउन कर रहा है तो 60 FPS पे कितना डाउन कर देगा आपके FPS को। तो फिर देख लेते हैं भाई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरा गेम प्ले देखते रहो आप। तो आपने देखा कि फाइट के टाइम पे इसने FPS 44 से भी कम कर दिया, मतलब कि 40 FPS तक आपको देता है जब कोई बंदा आप पे रश कर रहा हो 90 FPS में, तो आपका FPS डायरेक्ट 44 हो जाता है। तो आप वो जो रेंडर होगा उस दौरान आप बंदे को मार भी नहीं पाओगे, ना हेड दे पाओगे, ना आपका एमो सही से कनेक्ट होगा। तो भाई ये दिक्कत होगी आपको 90 FPS के गेम प्ले में इन कॉर्बस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई आपको फेस करने के लिए अभी बहुत सारे मतलब कि देखने हैं सीन्स वगैरह। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या FPS, अभी भी 42 FPS आपको देखने को मिला। अब आगे देखते हैं। सो ब्रो देयर इज मैनी एनिमीज अराउंड मी, भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं यार, मतलब कि फुटस्टेप आ रहे हैं मुझे भाई, लगता है पेटी बनने वाली है अगेन। FPS देख रहे हो आप, FPS इज 66, 65, 64, 67। सो भाई आपके चारों तरफ गुंडे घिरे हुए हैं, एंड उसके बाद आपको FPS 62 देखने को मिलता है, 90 FPS पे आपको 60 देखने को मिलता है। भाई 60 सही है, चलो ठीक है यार तुम 60 दे रहे हो, बट आप जब एमो चला रहे हो, गोलियां मार रहे हो, किसी की हेड पे मार रहे हो भाई, तो तब क्यों FPS डाउन कर देते हो? 44 क्यों, 42 क्यों, मतलब कि FPS डाउन क्यों हो जाता है? ऐसे भी मैंने इस बंदे को फाइट किया, ठीक है। FPS आपने देखा डायरेक्ट 59 हो गया, अब जब मैं बैठ गया तो 72, 71 हो गया, ठीक है। अब जैसे फिर किसी को मारने जाऊँगा, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है इसको मारता हूँ मैं, ठीक है। ये देखा, ये देखा आपने 66 डायरेक्ट 62 FPS हो गया। देन उसके बाद मैं इसको मार के देखता हूँ, चल चल ये भी देखो, ये भी मरा, बट इसमें उतना फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। बट अब देखो मैंने 55, अभी जब मैंने इस बंदे को मारा तो 55 FPS पे होगा, मतलब कि FPS काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है बंदे को, जैसे ही आप गोली मारोगे आपका FPS काफ़ी डाउन कर देता है।
तो कुल मिला के ये रिज़ल्ट मैं कहना चाहता हूँ आपको कि यू कॉन्ट प्ले कम्पिटिटिव गेम प्ले एंड रश गेम प्ले एंड ऑल्सो यू कॉन्ट प्ले टूर्नामेंट ऑन दिस कॉर्बस ऑपरेटिंग सिस्टम टिल नाउ. सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले स्मूद गेम प्ले एंड प्ले कम्पिटिटिव गेम प्ले एंड रश गेम प्ले सो यू हैव टू इंस्टॉल एरो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11. Because Arrow 11 is better than every other custom ROM for 90fps gameplay or 60fps gameplay, and you can also play in that competitive gameplay, rush gameplay. तक के लिए भाई इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.